सब्सक्राइब करें खाना हुई तपसाना चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब नहीं चलेगा कोई बहाना क्योंकि आ गई हूँ खाना हुई तपसाना। यहाँ मिलेंगे आपको ऐसे फूड जो बदल देंगे आप सबकी मूड। वेलकम बैक टू माई चैनल खाना हुई तपसाना पे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आजकल पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इससे हमारी स्किन की रौनक दिन ब दिन ढलती जा रही है। तो आज मैंने एक ऐसा ड्रिंक्स की रेसिपी बनाया है जिससे हमारी ढलती हुई स्किन की रौनक वापस आएगी धीरे धीरे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे कई सारे टिप्स बोले हैं जिससे हम सबको जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर लेंगे और गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे और पैन को हम हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। पैन के गर्म होते ही हम इसमें दूध डाल देंगे। हमने यहाँ पे अमूल ताजा का आधा लीटर दूध लिए है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या तो गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैन पे दूध डाल देती हूँ और दूध को जब तक दूध में उबाल नहीं आता है तब तक इसे हम क्या करेंगे, उबलने के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध में हमारा उबाल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे एक बार चला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए और इसे हम जब तक हमारा दूध थोड़ी सी गाढ़ी नहीं होती है तब तक इसे हम बॉयल कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध हमारा गाढ़ी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे केसर लिए है तो मैं इस दूध में एक पिंच केसर यूज़ करूँगी। और दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगी कि केसर आप अच्छा क्वालिटी का ही यूज़ करें क्योंकि बहुत सारे क्वालिटीज़ की केसर होती है दुकान में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छा क्वालिटी की यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने एक पिंच केसर दिए है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक ये हमारा जो आधा किलो दूध है ये पूरा आधा क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि यह आधा किलो दूध 250 ml होना चाहिए। अब हम इसमें एक टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। आप चीनी आपके हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी ज़्यादा यूज़ करें और मीठा कम पसंद है तो चीनी कम यूज़ करें। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो चीनी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब हम इस पे एक इलायची को कूट के इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 1/4 teaspoon। तो इलायची को मैंने कूट के इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। केसर में विटामिन ए, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीज और सिलेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिस वजह से मेमोरी पावर को बूस्ट करने में, नींद की समस्या को दूर करने में और ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडी एंड उनके आने वाले बच्चे और टीनेज के लिए ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध हमारा एकदम से आधा क्वांटिटी से आधा हो चुका है। आप देख सकते हैं। तो गैस हमने ऑफ कर दिए है और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा दूध ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस दूध को ठंडा करके भी पी सकते हैं या तो गर्मा गर्म भी पी सकते हैं। तो अब हम इसे एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप इस ड्रिंक को अगर लगातार एक महीना तक आप इसे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगी क्योंकि इसे मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिला है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है इस केसर को। तो हमारा ये दूध बनके एकदम से तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की मेरी ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर मिलेंगे कुछ नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।